Disclaimer: Trading is only for 18 plus. Trading can cause your financial loss. Please learn about trading then participate at your own risk. Trading 18 plus के लिए होता है. Trading करने में वित्तीय जोखिम शामिल है. कृपया trading सीख के अपनी जिम्मेदारी पर करें. Don't test my patience, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I gotta pay for you. I try to pray for you. Guys, I have a new strategy और इसको मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ. बहुत ही अच्छी स्ट्रैटजी है और काफ़ी मैंने इस पर टेस्टिंग किया और स्टिल मैं इसको डेमो पे टेस्ट कर चुका हूँ और इसको लाइव अकाउंट के साथ मैं अभी टेस्ट करने जा रहा हूँ. जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने काफ़ी लॉस किए हैं इधर, बट मैंने डेमो पे काफ़ी टेस्ट किया. अब लाइव अकाउंट्स पे मैंने सोचा कि वीडियो के साथ इसको आपके साथ शेयर करूंगा, इस स्ट्रेटजी को. सो हम लोग 10 ट्रेड ओपन करेंगे और देखेंगे स्ट्रेटजी में कितना पावर है. ठीक है, तो मैं जो मार्केट कंडीशन है उसको मैं चेक करता हूँ. जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट, वैसा मैं सर्च करूँगा मार्केट, देन स्ट्रेटजी को अप्लाई करूँगा और ट्रेड ओपन करूँगा और 10 ट्रेड मैं ओपन करूँगा. तो आपको वेट करना पड़ेगा और जब 10 स्ट्रेटजी 10th ट्रेड्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इस स्ट्रेटजी को रिवील करूँगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कितना एक्यूरेसी हमको दे रहा है. ओके, सो मार्केट कंडीशन का मैं वेट कर रहा हूँ, ये कैंडलस्टिक प्रॉपर फॉर्म हो जाए उसके बाद तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ जो भी स्ट्रेटजी है उसको इस करंट कैंडलस्टिक पे. तो देखते हैं, तो इस कैंडलस्टिक पे वो स्ट्रेटजी मैं वेट करता हूँ. अभी टाइम है, ये टाइमर मोड में ही ये स्ट्रेटजी काम करेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा. तो मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड ओपन कर लिया है. देखते हैं, काफ़ी श्योर हूँ कि ये डाउन जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं कैंडल को रीड कर रहा हूँ और उसका जो बिहेवियर है उसको रीड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड ओपन कर पा रहा हूँ. ओके, तो ये मैंने डाउन के लिए ट्रेड ओपन किया और इसमें देखते हैं हमको प्रॉफिट हो जाना चाहिए और फाइनली इसमें प्रॉफिट हो गया. तो नेक्स्ट कैंडल पे भी मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इस पे भी मैं ट्रेड लूँगा. अगर मार्केट वैसे बिहेव करेगा देन आई विल टेक वन मोर ट्रेड. तो कैंडल स्टिक का जो बिहेवियर है मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा नहीं है अभी फ़िलहाल. ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल स्टिक का क्योंकि इस कैंडल पे तो मुझे साइन नहीं मिला, दैट्स वाई मैंने ट्रेड ओपन नहीं किया. तो मैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे देखूँगा क्या रहता है सिनेरियो. तो ये स्ट्रेटजी मैंने काफ़ी देर तक मैंने डेमो पे टेस्ट किया और आफ्टर दैट मैंने सोचा रियल अकाउंट पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो हमने इस कैंडल पे मैं देखता हूँ बिहेवियर इसका क्या रहता है, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू. तो इसमें मैं डाउन के लिए जाना चाहूँगा बट मैं वेट करूँगा कि थोड़ा सा ऊपर जाए देन मैं डाउन के लिए इसमें ट्रेड ओपन करूँ. तो यहाँ पे भी क्लियर साइन नहीं मिला, दैट्स वाई मैं रुक गया. तो मैं दूसरा मार्केट देखता हूँ और अच्छी बात यह है कि ये वोलाटाइल, अगर कैंडल स्टिक काफ़ी वोलाटाइल है उसी में ये वर्क कर रहा है. सो यूजुअली वोलाटाइल मार्केट होता है तो उस पर लोग अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग,
बट ये उसमें काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस कैंडल को, मैं रीड कर रहा हूँ। ओके तो अगर उस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है देन आई विल ओपन अ ट्रेड। तो जो स्टार्टिंग का 15 सेकंड या 20 सेकंड जो होगा स्टार्टिंग का, वही डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ओके तो ये देखो ये रेड ही बनेगा फाइनली, जो जो एनालिसिस मैं अभी वो किया हूँ, टेस्ट किया हूँ, जो स्ट्रेटजी टेस्ट किया हूँ उसके अकॉर्डिंग देखो फाइनली ये उसी में क्लोज हुआ। तो मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे देखता हूँ क्या होता है, मुझे अगर साइन मिलता है देन आई विल प्लेस द ट्रेड। सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यस मैं डाउन के लिए ट्रेड लेना चाहूँगा यहाँ पे, और इसमें मुझे लग रहा है कि ये डाउन ही क्लोज होगा क्योंकि जो कैंडलस्टिक का बिहेवियर था उसने इंडिकेट किया। तो 100% एक्यूरेसी नहीं दे रहा है बट दे रहा है 80% या 90% तक मैंने एक्यूरेसी लिया इससे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डेंजरस काइंड ऑफ मार्केट में वर्क कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे आई थिंक एक ट्रेड मेरा चला गया बट एक ट्रेड में रिफंड मिला, तो नॉट 100%। ओके सेकेंड ट्रेड मैंने कर लिया, थर्ड पे देखता हूँ। तो अगेन मैं रीड कर रहा हूँ कैंडल को, तो इसमें अप के लिए मैं ट्रेड लिया हूँ। तो यू नो टाइमर मोड में 30 सेकेंड का टाइम रहता है, 30 सेकेंड तक के भी आप मिड पे भी कैंडल के मिड पार्ट पे भी आप वो ट्रेड ओपन कर सकते हो, बट अगर टाइम मोड में आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें नहीं रहता है ये ऑप्शन। तो सेकेंड ये जो ट्रेड है, जो नेक्स्ट ट्रेड अपना हमने अभी ओपन किया, तो ये भी लॉस में चला गया। ओके तो मार्केट चेंज करते हैं। ओके क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया, इस स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, बट मैं मुझे लग रहा है मार्केट इसके अकॉर्डिंग है नहीं। तो ये देखिए डाउन जाना चाहिए यहाँ पे, अगर आप डाउन के लिए ट्रेड पुट कर रहे हो तो बेटर रहेगा, आप जितना ऊपर लगाओ उतना अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये देखना ये रेड में ही क्लोज होगा, नहीं हुआ तो विन तो हो ही जाएगा। देखो रेड में ही मतलब ऑलमोस्ट हो ही, छोटा सा एक वॉल्यूम फॉर्म किया बट हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा था तो विन हो गया। अभी इस कैंडल पे मैं देखता हूँ मुझे कोई साइन मिलता है कि नहीं। तो इसमें मैं डाउन के लिए जाना चाहूँगा, यस तो ये भी आपका डाउन जाना चाहिए कैंडलस्टिक, यानी कि रेड कैंडलस्टिक होना चाहिए। देखते हैं अभी कुछ टाइम है ही।
देखो फाइनली इसमें भी प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे देखते हैं। अगर किसी मार्केट में इस तरह से कैंडल्स बिहेव कर रही है, मैं अभी रिवील करूँगा क्या बात कर रहा हूँ, तो उसी मार्केट को पिक करके आपको चलना है, यानी कि आपको मार्केट स्विच नहीं करना है, उसी मार्केट में कैंडलस्टिक का वेट करना है। क्योंकि बेसिकली ये लॉजिकल है बिल्कुल, इसमें इसमें जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनकी क्वांटिटी बेस पे हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब सेलर्स का क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है तो मूवमेंट डाउन की तरफ ज़्यादा वोलाटाइल हो रहा है, और अपोजिट ग्रुप का अगर ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो मूवमेंट अपोजिट साइड में वोलाटाइल हो रहे हैं, तो उसी को हम लोग रीड करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखते हैं अगले कैंडल स्टिक पे। तो ये रेड में ही क्लोज होगा ये कैंडल स्टिक, अगर मुझे टाइम मिलता है प्लेसमेंट, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, बट ये रेड होगा। तो अगर मैं इतना क्लियर कर रहा हूँ तो आप हो ये मान लो कि मेरा स्ट्रेटजी सही है, ये रेड में ही क्लोज होगा। तो कैंडल स्टिक ऑलरेडी एक एज ए इंडिकेटर वर्क करता है मार्केट में, तो अगर आप उसको रीड कर पाते हो तो डेफिनेटली आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट के अंदर। तो ये देखो ये फाइनली इसमें भी प्रॉफिट हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट अगर साइन मिले देन। अभी साइन है मिला, और अगर बहुत ही इस तरह के बिग बिग कैंडल फॉर्म हो रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा मार्केट में। तब ये बड़ा बड़ा कैंडल देखो फॉर्म हो रहा है, इसके बाद का कैंडल देखते हैं वो क्या इंडिकेशन देता है हमको। तो ये ग्रीन बनेगा ये कैंडल, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक ट्रेड ओपन करूँगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ग्रीन में ही क्लोज होगा, क्योंकि मुझे साइन मिला था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था। तो ये देखो ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट कर लिया हमने इसमें। ओके, तो आप लोग देख रहे हो ये एक्यूरेसी मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और मैं ट्राई करता हूँ। इस कैंडल पे तो कुछ साइन नहीं मिला ये, क्योंकि क्लियरली ये क्लोज हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास है।
इसमें साइन मिल रहा है बट थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं एक ट्रेड लगाऊंगा इसमें भी। यस, थोड़ा सा प्लेसमेंट का इसमें इशू रहेगा। बट ये बनेगा रेड कैंडल ही। प्लेसमेंट के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डेमो पे काफ़ी प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड कर पा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी वोलाटाइल कैंडल होता है, उसमें आपको प्रिडिक्शन करना है, तो इस डेट्स वाई। सो देखो इसमें भी प्रॉफिट हो गया। सो आप पोटेंशियल देख सकते हो, मैं बैक टू बैक इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इसमें मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से देखना। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ओपन करना है और 1 मिनट की आपको कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करना है और 1 मिनट एक्सपायरी टाइम आपको सेट करना पड़ेगा। एक्सपायरी टाइम आपको टाइम मोड पे सेट करना है, टाइमर पे नहीं सेट करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको बीच में भी आपको ट्रेड प्लेसमेंट करना पड़ सकता है। सपोज अगर आप आपके लिए ले रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे जाए, यानी कि थोड़ा सा कैंडल ग्रीन की तरफ स्विच हो, तो उसमें करोगे तो बहुत सेफली आप इसमें प्रॉफिट करोगे। और ये रेगुलर मार्केट में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको प्रैक्टिस करना, चलो स्ट्रेटजी समझो। देखो ये कैंडल का देखो रिएक्शन, देखो कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं करंट कैंडल। तो इसमें हमको देखना है कि इनिशियल जो 10 सेकेंड है या 20 सेकेंड है उसमें कैंडल का डायरेक्शन क्या है। तो अप डायरेक्शन है कैंडल का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है ये कैंडल स्टिक आपका ग्रीन में ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन कोई कैंडल ऐसा आएगा जो ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा ट्राई करेगा ऊपर जाने का एंड लेस वो नीचे भी जाएगा, बट नीचे वो स्टेबिलिटी नहीं वो अचीव कर पा रहा है वो कैंडल स्टिक, यानी कि वो डाउन की तरफ जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ऐसे लग रहा है कि वो कहीं से स्ट्राइक करके वापस हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम टाइम अब इस करंट कैंडल को देखो, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या होगा। तो इसमें देखो ये नीचे भी जा रहा था बट मैक्सिमम टाइम देखो ये ऊपर ही वो क्लोज हो रहा है, ओके। तो वेट करो नीचे जाने का ट्रेड लेने के लिए, इस ये अप जाएगा। प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो मैं अदर ट्रेड ओपन कर दे रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले डेमो पर प्रैक्टिस करना है। तो ये देखो अब ज़्यादा चांस है ये कैंडल स्टिक आपका ग्रीन में क्लोज होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि इसने हमको इंडिकेट किया। तो ये 100% नहीं होगा लेकिन आपको ज़्यादा ही एक्यूरेसी दे रहा है ये स्ट्रेटजी। 100% किसी भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी नहीं होता है। तो यहाँ देखो ये लॉस में चला गया, लेकिन आप प्रीवियस जो मैंने अभी आपको ट्रेड ओपन करके दिखाए थे उसमें आपने क्लियरली देखा कि प्रॉफिट हो रहा था। चलो मैं